केतार प्रखंड मुख्यालय के सामने बीजेपी मंडल कार्यालय केतार के तत्वावधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्य चार बिंदुओं पर सरकार से मांग किया गया है। पहला, पंचायत का चुनाव कब होगा। दूसरा, किसानों का धान खरीद समय पर क्यों नहीं। तीसरा, बालू घाटों की नीलामी के बावजूद भी अनियमितता क्यों। चौथा, सरकारी कार्य में भ्रष्टाचार से निजात कब मिलेगी। यही चार बिंदुओं को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और इन बिंदुओं का ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी संदीप अनुराग टोपनो को सामूहिक रूप से सौंपा गया। मौके पर मौजूद मंडल अध्यक्ष कन्हाई प्रसाद, विधायक प्रतिनिधि विक्रमा सिंह, जिला कार्य समिति सदस्य विनय प्रसाद मुंगा सा, उमेश दुबे, त्रिपुरी रारी सिंह, हेमंत पाठक, मणिलाल कुमार गुप्ता और बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यकर्ता मौजूद थे। आज के इस धरना प्रदर्शन में जो प्राप्त ज्ञापन है, इसे प्रखंड स्तर से उचित माध्यम के द्वारा राज्यपाल महोदय तक भेजा जाएगा और उम्मीद करते हैं कि जो भी मांगे रखी गई हैं उस पर सरकार के स्तर से या फिर ऊपर के स्तर से जरूर कार्रवाई। धन्यवाद।